दोस्तों, ये सामने आपको हनी दिख रही है। मैं आपको जूम करके बता दूं इसे कैसे तोड़ते हैं। ये बाबा रामदेव वाला शहद नहीं है, ये बिल्कुल देसी शहद है और यही आपके काम का है। आप देख सकते हैं ये जंगली मधुमक्खी से हम तोड़ रहे हैं और ये हमारे दोनों भाई तोड़ रहे हैं दांतली वांतली ले करके। और हमने इतना सारा शहद इसमें इकट्ठा कर चुके हैं, आप देख लो इतना सारा शहद है ये। और इतना लहनी की ये पहचान है। अभी तो इसमें कांटे वगैरह पड़े हुए हैं और वहाँ पे मधुमक्खी लगी है, दो भाई तोड़ रहे हैं। तोड़ो भाई तोड़ो। तो आपको भी अगर हनी तोड़वानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो और ओरिजिनल शहद खाए। इससे क्या है कि हमें, अरे उस पर पागर पैर मत रखो, वो लगाओ उधर, तो वो उधर कर पहलिंगा पकड़ रहे, तो तू जा पहलिंगा उसको दे, पहलिंगा पहलिंगा की तरफ जा, पहलिंगा की तरफ जा 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 पहलिंगा की तरफ जा। एक बंदे जा आए ऊपर को इसको दे जा, क्योंकि ये मधुमक्खी बहुत खतरनाक खा रही है। तो इसको हम इस हिसाब से कोऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा खेत के लिए समा नहीं सर डिस्काउंट लेना। मधुमक्खी यार बहुत भारी है ये, इसमें 100-150 ग्राम तो निकलेगा। ओरिजिनल शहद है भाई ये, विष्णु बेग होगा सूझे क्यों जितना। हाँ यहाँ से खींच लो, ये धूनी करके तोड़ रहे हैं भाई। मेरा एक भाई उधर धूनी कर रहा है और एक भाई इधर से धूनी कर रहा है। ये दोनों भाई ये स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी बुलेट सामने खड़ी है, उधर हमारे गांव का पहाड़ है और इस साइड में बबूल है, इनमें लगी हुई है। अगर आपको ओरिजिनल हनी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम तोड़ करके बनाते हैं दवाई वगैरह, आप भी यूज ले सकते हो। कोई नहीं, हकीम साहब बोल रहे हो तो आप बिल्कुल, हम तोड़ रहे हैं इस मधुमक्खी को। मधुमक्खी बहुत नाइस है, पर एक है बात है टोटल रस है। हाँ धीरे धीरे खींचो, धीरे धीरे आराम से खींचना यार, वो तो पूरी टूट जाएगी फिर क्या मतलब रहेगा। आराम से खींचिए, ये टूट गई साहब मधुमक्खी, उड़ाते रहो। हाँ आराम से खींचो। तो भाई लोगों ये मधुमक्खी तोड़ रही है, अब हम शहद कलेक्ट करेंगे इसका। ये ऊपर 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 इसको रुक, उस डालकोटा ठीक है साहब।